Today I have come with a new video and that is related with MCQ questions, means to say objective questions in population geography. Jansankhya Bhugol, Harek Astar Par, Chahe Voh BA, MA Ka Level Ho, Chahe IS or BPSC Ka Level Ho, NET Ka Level Ho, Sabhi Astar Par, Yah Ek Important Vishay Ke Roop Mein Mana Jata Hai, Aur Is Se Harek ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पीटी क्वेश्चंस में और एमए लेवल के क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, इसलिए मैंने आपके फायदे के लिए कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाए हैं और उसको आप पीपीटी पर देखिए। आप पॉपुलेशन ज्योग्राफी में कुछ एमसीक्यू देखिए जो पीपीटी के ऊपर आपके सामने रख रहे हैं। वह इसमें पहला क्वेश्चन है, द कंटिनेंट ऑफ एशिया शेयर्स बीच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन, यानी विश्व के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग एशिया शेयर करता है, अर्थात एशिया महादेश में है। ए ऑप्शन 60%, बी 51%, सी 40%, डी 35%। करेक्ट आंसर इज 60%। 60% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन इज शेयर्ड बाय एशिया और लिव्स इन एशिया। इसको दूसरे ढंग से भी देख सकते हैं। देखिए, यह आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें यह ब्लू वाला भाग टोटल वर्ल्ड का पॉपुलेशन का 60% पॉपुलेशन एशिया में है। इसके बाद दूसरा जो अफ्रीका का आता है, फिर तीसरा यूरोप का आता है, चौथा ये भाग नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका का है और ये ऑस्ट्रेलिया का है। यह स्पष्ट दिख रहा है। इसका स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन भी आप देख सकते हैं कि एशिया में कुल जनसंख्या है 3879 मिलियन, मिलियन में जनसंख्या दिया हुआ है 3879 मिलियन, यानी टोटल एक्यूरेट परसेंटेज जो आता है वह 59.89%, इसी को राउंड फिगर में 60% माना जाता है। अफ्रीका में मात्र 14% जनसंख्या है, यूरोप में 11% जनसंख्या है, नॉर्थ अमेरिका में 8%, साउथ अमेरिका में 5.9 और 6% है, और ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम 0.5% जनसंख्या है। यह डेटा आपको विकिपीडिया 1911 का है, लेकिन इसका लेटेस्ट स्थिति भी देख सकते हैं जो इंटरनेट पर आप देख सकते हैं विकिपीडिया पर। एशिया में 59.14% है, अफ्रीका में कुछ एशिया की कुल जनसंख्या में कमी आई है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि चीन का पॉपुलेशन पॉलिसी जो है वन कपल वन चाइल्ड की पॉपुलेशन पॉलिसी लगी हुई है, जिसके कारण जनसंख्या का जनसंख्या घटी है। एशिया में 59.74% जनसंख्या रहती है, जो पिछले 2011 की जनसंख्या से कमी आई है, और यह पार्टिकुलरली इसके लिए है कि चीन की जनसंख्या में 71 कपल 1 चाइल्ड की पॉलिसी है। भारत में भी हालांकि 1 चाइल्ड 1 पॉलिसी तो नहीं है, लेकिन फैमिली प्लानिंग और अन्य प्रकार का पॉलिसी चल रही है। इसीलिए अफ्रीका में 16.13%, यूरोप में 10% हो गया है, नॉर्थ अमेरिका में 8.87%, साउथ अमेरिका में 5.8%, ऑस्ट्रेलिया में 0.5%। हर हाल में लेटेस्ट डेटा के अनुसार भी आप जन देख रहे हैं कि एशिया में 60% जनसंख्या निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 2, हु रोट द बुक इंटाइटल्ड ए प्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी फ्रॉम द फॉलोइंग, नीचे चार में से किसने लिखा ए प्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ऑप्शन ए डब्ल्यू जेलेंस की, ऑप्शन बी आर सी चांदना, ऑप्शन सी आर पी डोरे, ऑप्शन डी डी बोग। तो इसका
आंसर होगा डब्ल्यू जेलेंसकी रोट द बुक ए प्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी ए ऑप्शन एफ डब्ल्यू नोटेस्टीन 1945 कार सॉन्डर्स 1936 डी गोपाल राव 1934 और ग्लेन टी ट्रिवार था 1969 करेक्ट आंसर इज ए एफ डब्ल्यू नोटेस्टीन ने 1945 ईस्वी में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की संकल्पना का प्रतिपादन किया, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर फोर, द मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इज फाउंड इन नॉर्दर्न एशिया, सदर्न एशिया, ईस्टर्न एशिया एंड वेस्टर्न एशिया। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी इन सदर्न एशिया मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इज फाउंड। क्वेश्चन नंबर फाइव, हु इस्टेब्लिश्ड पॉपुलेशन ज्योग्राफी एज ए सेपरेट ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी। ऑप्शन ए ओ ई बेकर 1933, बी जॉन आई क्लार्क 1965, सी वारेन एस थॉम्सन 1953, डी ग्लेन टी ट्रिवार्था 1953। तो आंसर होगा ग्लेन टी ट्रिवार्था इस्टेब्लिश्ड पॉपुलेशन ज्योग्राफी एज ए सेपरेट ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी इन 1953। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हु क्वाइंड द टर्म एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, जीवन प्रत्याशा शब्द किसने प्रतिपादित किया। ए ऑप्शन जेम्स फिशर, बी किंग्सले डेविस, सी एडमंड हेले, डी हैगर स्ट्रांड। इसमें एडमंड हेले ने एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ टर्म को क्वाइन किया है, इसलिए एड्रेस ऑप्शन सी एडमंड हेले इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेवन, सेक्स रेशियो इज कैलकुलेटेड एज नंबर ऑफ फीमेल्स पर डॉट 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 मेल्स इन इंडिया। भारत में सेक्स रेशियो का जो परिकलन होता है वह कितने पुरुषों पर नंबर ऑफ फीमेल मापा जाता है। ए ऑप्शन ए 100 मेल्स, ऑप्शन बी 1000 मेल्स, ऑप्शन सी 500 मेल्स, ऑप्शन डी 1100 मेल्स। करेक्ट आंसर इज बी, बी इज द करेक्ट आंसर। सेक्स रेशियो इज कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर थाउजेंट मेल। क्वेश्चन नंबर एट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्स रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ सेंसस। जब जनगणना होते रहती है उस समय सेक्स रेशियो जो परिकलित किया जाता है वह कौन सा सेक्स रेशियो है, प्राइमरी सेक्स रेशियो, सेकेंडरी सेक्स रेशियो, टर्शरी सेक्स रेशियो, क्वार्टरनरी सेक्स रेशियो। तो आंसर होगा टर्शरी सेक्स रेशियो। जब सेंसस के समय में सेक्स रेशियो कैलकुलेट किया जाता है तो वह टर्शियरी सेक्स रेशियो है। क्वेश्चन नंबर नाइन, हु इनिशिएटेड टीचिंग एंड रिसर्च इन पॉपुलेशन ज्योग्राफी इन इंडिया। भारत में पॉपुलेशन ज्योग्राफी में शिक्षण कार्य एवं शोध निम्न में से किसने प्रारंभ किया। ऑप्शन ए जी एस गोसाल 1960, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण 1968, ऑप्शन सी आर सी चांदना 1969, ऑप्शन डी एस मेहता 1970। तो करेक्ट आंसर इज जी एस गोसाल 1960 ईस्वी में जी एस गोसाल ने पॉपुलेशन ज्योग्राफी में शिक्षण और शोध कार्य प्रारंभ किया था। इसके बारे में गोसाल के बारे में जान सकते हैं कि गोसाल 1960 ईस्वी में उन्होंने अपना पीएचडी प्रस्तुत किया था ग्लेन टी ट्रिवार्था में के अंतर्गत सुपरविजन में, और यूएसए के विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्लेन टी ट्रिवार्था के सुपरविजन में पीएचडी की डिग्री लिया था। जीएस गोसाल इज ऑल्सो एज्यूम्ड एज फादर ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी इन इंडिया। भारत में
जी एस कुशाल को पॉपुलेशन ज्योग्राफी का जनक भी कहा जाता है और गोपाल कृष्ण, आर सी चांदना, एस मेहता, इन तीनों ने जी एस गोसाल के सुपरविजन में ही जनसंख्या भूगोल पर पीएचडी डिग्री लिया था। इसलिए जी एस गोसाल इज द करेक्ट आंसर। जी एस गोसाल 1960 ईस्वी में जनसंख्या भूगोल में शिक्षण और शोध का कार्य प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 10, द पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च जर्नल ऑन पॉपुलेशन ज्योग्राफी वाज इनिशिएटेड बाय होम ऑफ द फॉलोइंग। नीचे चार यूनिवर्सिटी के नाम दिए हुए हैं, चारों यूनिवर्सिटी में किस यूनिवर्सिटी के द्वारा एक रिसर्च जर्नल जनसंख्या भूगोल पर प्रकाशित किया गया था, पॉपुलेशन ज्योग्राफी पर एक रिसर्च जर्नल प्रकाशित किया। ऑप्शन ए दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली, ऑप्शन बी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, ऑप्शन सी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, ऑप्शन डी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इलाहाबाद। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में जनसंख्या भूगोल पर एक रिसर्च जर्नल प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। नीचे कुछ पॉलिसी दिए हुए हैं, इसमें ये बताना है कि भारत में जो जनसंख्या नीति अपनाई जाती है, इन चारों में से कौन जब भारत की जनसंख्या नीति में शामिल नहीं है। ए ऑप्शन ए माइग्रेशन पॉलिसी स्थानांतरण नीति, ऑप्शन बी फर्टिलिटी पॉलिसी प्रजननता नीति, ऑप्शन डी मोर्टेलिटी पॉलिसी मर्त्यता नीति, ऑप्शन डी इंडस्ट्रियल पॉलिसी औद्योगिक नीति। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी भारत के पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन गोल ऑफ इंडियन पॉपुलेशन पॉलिसी। भारतीय जनसंख्या नीति के प्रमुख ये लक्ष्य क्या हैं? टू रिड्यूस, ऑप्शन ए टू रिड्यूस पॉवर्टी, ऑप्शन बी टू मिनिमाइज अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ऑप्शन सी टू रिड्यूस बर्थ रेट, ऑप्शन डी टू रिड्यूस डेथ रेट। तो इसमें ऑप्शन सी टू रिड्यूस बर्थ रेट इज द करेक्ट आंसर। आप इसको देख लीजिए कि बर्थ रेट क्या स्थिति है भारत में, और बिहार के में भी देख रहे हैं, भारत में टोटल बर्थ ये बर्थ है एनुअल 27.2, जबकि रूरल एरिया में 28.9 है, अर्बन एरिया में 21.5 है। बिहार की स्थिति देख सकते हैं, 31.7 टोटल बर्थ है, जबकि रूरल बर्थ 32.7 है, अर्बन बर्थ 23.7 है। यूपी में हाईएस्ट पाया जाता है टोटल बर्थ 33.5, रूरल बर्थ 34.6 और अर्बन बर्थ 27.9 है, जबकि लोएस्ट गोवा में है और टोटल बर्थ 14.2, रूरल बर्थ 14.4, अर्बन बर्थ 13.8 है। सोर्स भी नीचे दिया हुआ है, कंपेंडियम ऑफ इंडियाज फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी इंडिकेटर सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS, रजिस्ट्रार जनरल इंडिया 1999 का ये डेटा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी इन इंडिया। मेल लिटरेसी और फीमेल लिटरेसी में कितना का अंतर है ये आपको बताना है। 41.06%, ऑप्शन बी 33.11%, ऑप्शन सी 11.68%, ऑप्शन डी 21.67%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 21.67% इज द डिफरेंस बिटवीन मेल लिटरेसी एंड फीमेल लिटरेसी इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स लिटरेसी परसेंटेज ऑफ इंडिया एज पर 20
2011 सेंसस 2011 की जनसंख्या के अनुसार निम्न में से कौन भारत का लिटरेसी प्रतिशत को संकेत करता है? ए 71.96%, बी 65.74%, सी 79.13%, डी 74.04%। तो करेक्ट आंसर होगा डी 74.04% इज द लिटरेसी परसेंटेज ऑफ इंडिया एज पर 2011 सेंसस। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन? जनसांख्यिकी संक्रमण निम्न में से किसके द्वारा संकेत किया जाता है? टेम्पोरल चेंज इन बर्थ रेट, ऑप्शन ए सामयिक परिवर्तन बर्थ रेट में, टेम्पोरल चेंज इन डेथ रेट मृत्यु दर में सामयिक परिवर्तन, सी रेट ऑफ माइग्रेशन, डी टेम्पोरल लो बर्थ एंड डेथ रेट। तो इसका आंसर भी डी होगा, टेम्पोरल लो बर्थ एंड डेथ रेट, समय के अंतराल पर बर्थ रेट में और डेथ रेट में कमी आती है, यानी हायर बर्थ रेट गोज टू लोअर बर्थ रेट, हायर डेथ रेट गोज टू लोअर डेथ रेट, इस बीच का जो समय लगता है वह ट्रांजिशन पीरियड कहलाता है। और वही चूंकि जनसंख्या इसमें बदलती है, बर्थ रेट और डेथ रेट में अंतर होता है, इसलिए इसको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन भी कहा जाता है। ऐसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पर आप एक सेपरेट वीडियो पहले डाला जा चुका है, उसमें आप डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का फुल क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हु रोट द बुक इंटाइटल्ड पॉपुलेशन ज्योग्राफी ए रीडर? जनसंख्या भूगोल एक पाठक, ने पॉपुलेशन ज्योग्राफी ए रीडर नाम की पुस्तक निम्न में से किसने लिखा? ऑप्शन ए बिल्बर जेलेंस की, ऑप्शन बी जी जे डेमको, ऑप्शन सी जी बी गार्नियर, ऑप्शन डी जॉन आई क्लार्क। तो इसका आंसर होगा जे आई डेमको रोट द बुक इंटाइटल्ड पॉपुलेशन ज्योग्राफी ए रीडर, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा? प्राइमरी डेटा कलेक्शन जब करते हैं तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन में निम्न में से कोई मेथड नहीं है, ऑप्शन ए डायरेक्ट काउंटिंग, ऑप्शन बी पॉपुलेशन डेंसिटी, ऑप्शन सी क्वेश्चनार एंड शेड्यूल, ऑप्शन डी लोकल रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी आंसर इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पॉपुलेशन डेंसिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ क्वेश्चनायर? प्रश्नावली के जो प्रकार हैं वह निम्न में से, सभी तो प्रश्नावली के प्रकार हैं लेकिन कोई एक ऐसा है जो प्रश्नावली के प्रकार में नहीं आते हैं, उसको आपको खोजना है। ऑप्शन ए पिक्टोरियल क्वेश्चनायर, ऑप्शन बी क्लोज्ड क्वेश्चनायर, ऑप्शन सी ओपन क्वेश्चनायर, ऑप्शन डी इंटरव्यू क्वेश्चनायर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इंटरव्यू क्वेश्चनायर नहीं होता है, इंटरव्यू डायरेक्ट लिया जाता है, डायरेक्ट इंटरव्यू ले करके आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं लेकिन इंटरव्यू क्वेश्चनायर नहीं बनाया जाता है, पिक्टोरियल क्वेश्चनायर बनाया जाता है खास करके अशिक्षित लोगों के लिए जो भाषा किसी भी भाषा में लिख पढ़ नहीं सकते हैं। क्लोज्ड क्वेश्चनायर होता है जो आप बंद लिफाफे में दूर भेजते हैं या सामने क्लासरूम में बैठ करके जब क्वेश्चनायर लोगों के सामने आप डिलीवर ये कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो क्वेश्चन ओपन क्वेश्चनायर है लेकिन इंटरव्यू क्वेश्चनायर कोई क्वेश्चनायर नहीं होता है। देयरफॉर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इंटरव्यू क्वेश्चनायर इज नॉट द टाइप ऑफ क्वेश्चनायर। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इंटरनेशनल माइग्रेशन? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो माइग्रेशन हुआ है उनमें इन चारों में से सबसे बड़ा कौन है?
A. Chinese migration, B. Indian migration, C. American migration और D. European migration. तो इसमें क्वेश्चन ऑप्शन डी यूरोपियन माइग्रेशन इज द लार्जेस्ट इंटरनेशनल माइग्रेशन. क्वेश्चन नंबर 20, एकरमैन डिड नॉट एक्सेप्ट एज द बेस एज द डिटर्मिनेशन ऑफ पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन. जनसंख्या संसाधन प्रदेश का निर्धारण एकरमैन ने 1970 ईस्वी में किया था. तो निम्न चार में से किसे आधार नहीं माना गया. निम्न चार में से तीन एकरमैन ने आधार माना है, लेकिन कोई एक है जिसको उन्होंने जनसंख्या संसाधन प्रदेश के निर्धारण में आधार नहीं माना है. ऑप्शन ए इंडस्ट्री, ऑप्शन बी रिसोर्स, ऑप्शन सी पॉपुलेशन, ऑप्शन डी टेक्नोलॉजी. तो इंडस्ट्री को आधार एकरमैन ने पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन के निर्धारण में नहीं माना है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. इंडस्ट्री इज हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड एज द बेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन इन 1970 बाय एकरमैन. क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द फर्टिलिटी ऑफ इंटरनेशनल लेवल. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रजननता मापन हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है. क्रूड बर्थ रेट, संशोधित जन्म दर, टोटल फर्टिलिटी रेट, स्टैंडर्ड बर्थ रेट, एज स्पेसिफिक बर्थ रेट. तो इसमें क्रूड बर्थ रेट इज द करेक्ट आंसर, अर्थात क्रूड अशोधित जन्म दर को ही जनरली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग किया जाता है. क्रूड बर्थ रेट इज यूज टू मेजर द फर्टिलिटी ऑन इंटरनेशनल लेवल. क्वेश्चन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया. भारत में जीवन प्रत्याशा निम्न में से कौन है. 57 ईयर्स, बी 61 ईयर्स, सी 67 ईयर्स, डी 72 ईयर्स. तो इसमें 67 ईयर्स इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया. भारत में जीवन प्रत्याशा से ये 67 वर्ष हो गई है. क्वेश्चन नंबर 23, हु प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी. अब अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत की संकल्पना किसने प्रतिपादित किया. ए डाल्टन, बी रॉबिन्स, सी कार साउंडर्स, डी एडविन कैनन. तो एडविन कैनन इज द करेक्ट आंसर. एडविन कैनन प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी. डी इज द करेक्ट आंसर. आप क्वेश्चन नंबर 24 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला. ये जो फॉर्मूला है m इक्वल टू a माइनस o बाई o, इस फॉर्मूला के आधार पर निम्न में से किसका कैलकुलेशन होता है. ए ऑप्टिमम पॉपुलेशन, बी ओवर पॉपुलेशन, सी अंडर पॉपुलेशन, डी टोटल फर्टिलिटी रेट. तो इसका आंसर ए होगा. ए इज द करेक्ट आंसर. ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला एम इक्वल टू ए माइनस ओ बाई ए ओ. क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन. निम्न में से कौन डाटा कलेक्शन की विधि नहीं है. ए डायरेक्ट पर्सनल सर्वे, बी सैंपल सर्वे, सी पब्लिकेशन ऑफ जर्नल, सी सेंसस रिपोर्ट. इसमें सी इज द करेक्ट आंसर. पब्लिकेशन ऑफ जर्नल इज नॉट द मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन. क्वेश्चन नंबर 26, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द हाइएस्ट बर्थ रेट इज फाउंड. निम्न चार में से किसमें हाइएस्ट बर्थ रेट पाया जाता है. ए यूरोप, बी नॉर्थ अमेरिका,
सी अफ्रीका और डी एशिया। तो सी इज द करेक्ट आंसर, इन अफ्रीका द रेट बर्थ रेट इज द हाईएस्ट, देयरफॉर करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड, भारत में फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया भारतीय परिवार नियोजन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ए 1947, बी 1949, सी 1950, डी 1951। तो इसमें 1949 इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 1949 ईस्वी में फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 28, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज फाउंड एज पर 2011 सेंसस रिपोर्ट, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार अधिकतम जनसंख्या घनत्व निम्न चार में से कहाँ पाया जाता है, ए पंजाब प्लेन, बी ब्रह्मपुत्रा प्लेन, सी गंगा डेल्टा, डी गोदावरी डेल्टा। इन चार में से अधिकतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है सी में, गंगा डेल्टा में, देयरफॉर ऑप्शन सी अर्थात गंगा डेल्टा इज द करेक्ट आंसर, वेयर मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज फाउंड एज पर 2011 सेंसस रिपोर्ट। 29, क्वेश्चन नंबर 29, इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज मैक्सिमम फिजियोलॉजिकल डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज फाउंड, निम्न में से कहाँ मैक्सिमम फिजियोलॉजिकल डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पाया जाता है, यानी कायिक घनत्व, जनसंख्या का कायिक घनत्व सबसे ज़्यादा निम्न चार देशों में से कहाँ पाया जाता है, ए चाइना, बी इंडिया, सी जापान, डी यूएसए। तो जापान में यह कायिक घनत्व सर्वाधिक है। मैक्सिमम फिजियोलॉजिकल डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज फाउंड इन जापान, देयरफॉर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए कि फिजियोलॉजिकल डेंसिटी बराबर होता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ एक्स एरिया डिवाइडेड बाय टोटल कल्टीवेबल एरिया। इसी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे लिखने में दिक्कत है तो ऑप्शन बाई दे करके यहीं लिख सकते हैं, और नहीं तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ किसी भी क्षेत्र का टोटल पॉपुलेशन में टोटल कल्टीवेबल एरिया से भाग देने पर जो निकलता है वही कायिक घनत्व अर्थात फिजियोलॉजिकल डेंसिटी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मार्जिनल वर्कर, सीमांत श्रमिक निम्न में से चार में से कौन है, ए वर्कर वर्किंग बिलो 200 डेज इन ए ईयर, वह कब श्रमिक जो साल भर में 200 दिन से कम काम करता है, वह श्रमिक जो साल भर में 180 दिन से कम काम करता है, वैसा श्रमिक जो साल भर में 100 दिन से कम काम करता है, वैसा श्रमिक जो साल भर में 80 दिन से कम काम करता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वैसे श्रमिक जो साल भर में 180 दिन से कम काम करते हैं उन्हें सीमांत श्रमिक कहा जाता है, मार्जिनल वर्कर कहा जाता है। तो नेक्स्ट, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।